तेरा पढ़ के और बढ़ के फायदा भी क्या? हाँ सर, आपका ये बेटा लेक्चर में काम वाली बाई को मास्क बना के बैठा था और खुद पीछे सो रहा था। सर, पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म की नहीं, सिर्फ मास्क की जरूरत है। वाह मेरे चौथे इडियट। अबे ओ मिलीमीटर सेंटीमीटर, इसकी वजह से वो काम वाली बाई मेरे घर पे लेट आती है और से पूछता हूँ कि लेट क्यों हुई है, तो बोलती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तू नहीं पढ़ेगा तो भी बढ़ेगा इंडिया। आपको इसका एक और किस्सा सुनाता हूं मैं। नहीं सर प्लीज सर, वो बात मत बताओ सर। द फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट सेटिस्फाई योर थर्स्ट एज मच एज द फर्स्ट ग्लास डिड। सर सर, कैन आई ड्रिंक वाटर? अरे पीना भाई, तेरे को जितना पानी पीना है पी, हम लोग क्लास में थोड़ी है। थैंक यू सर। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। अरे शांत हो जा सब, ये क्या पागलपन चल रहा है मेरे क्लास में। अरे ओ आशीष बस करना। सॉरी सर, सॉरी सर। बढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक पे। ये अरे हंसना बंद करो, कैसे बेशरम लोग हो आपको। सर मैं आपको क्या बताऊं इसकी बातें, एक तो लेक्चर में आते नहीं है, ऊपर से आते तो इंटरनेट बंद का बहाना देते। उस दिन तो उन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी। साला मेरे बेटे को घूस दे के मेरे घर की इंटरनेट की वायर कटवा दी इन हरामियों ने। तो सर इसमें गलती आपके बच्चे की हुई ना, काबू में रखो उसको। मैं तो उसको 500 रुपया देने को तैयार था, 500 रुपए की आइसक्रीम में मान गया आपका लड़का। सर थोड़ा खिलाओ पिलाओ अपने बच्चे को, पैसा वैसा दिखाओ अपना, बहुत भूखा बच्चा है आपका। कल को इसको फैमिली पैक देगा तो पूरी फैमिली को पैक कर देगा आपका लड़का। 5 रुपए की आइसक्रीम में बिक गया इसका लौंडा। कैसे भूखे बच्चे पैदा किए। अरे इसलिए कहता हूँ सावधान रहे, सतर्क रहे। सतर्क तो रहना पड़ेगा आपके बच्चों से। अरे ये लोग ऐसे हरामी है। उस दिन मैं लेक्चर दे रहा था, मेरी बीवी ने बीच लेक्चर में चिल्लाया, सुनो जी शीला जी आ रही है। इन हरामियों को सुनाई दिया शीला जी आ रही है, सर के घर पे शीला जी आ रही है। ये क्लिप पूरे कॉलेज में वायरल कर देगी, सर के घर पे शीला जी आ रही है। शीला जी कौन है? अरे पापा इट इज नायग्रा बट विद अ वी, लाइक नायग्रा फॉल्स बट दिस डज नॉट फॉल्स, दिस ओनली टॉल्स, फुल टॉल्स। अरे पापा ये लेने के बाद 6 सेकंड 6 घंटों में बदल जाते, ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है। ये लेने के बाद अपन ड्रिल करेंगे फिर चिल करेंगे। अरे इसके बाद मिथुन दा ग्रैंड सल्यूट देते। अरे पापा ये लेने के बाद ऐसे उल्टे लेट जाओगे ना तो ऐसा पंखे की तरह घूमना। अरे ओ बस कर और कितने एग्जांपल देगा। हो गया समझ गए भाई, पहली बार देखा है बेटा बाप को गुप्त ज्ञान दे रहा है। अरे ज्ञान आपको देना चाहिए अपने लड़के को, इसे सिखाओ कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं करते। उस दिन मैंने अपनी व्हाट्सएप पे डीपी रखी थी अपनी नई कार के साथ, साला मेरे घर के बाहर लाइन लग गई कार देखने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना। अरे क्या अच्छी बात है, इन हरामियों ने मेरी 6 लाख की कार 30,000 में बेचने को रख दी OLX में, वो फोटो यूज करके। मैंने गाड़ी नहीं बेची तो वो लोग कितना भड़क गए मालूम है। एक आदमी तो गुस्से में मेरी कार का दरवाजा लेके भाग गया, एक आदमी स्टीयरिंग लेके आज तक मैं गोला बना रहे, एक आदमी इंजन लेके भाग गया गन्ने का जूस निकाल रहे। अरे एक आदमी को तो मैंने उस दिन वाइपर से अपनी पीठ खुजाते देखी। ऐसे हरामी लोग रहते हमारे मोहल्ले में, क्या बताऊं मैं आपको। 5 लोग तो गुस्से में मेरे 5 के 5 टायर लेके चले गए। अभी ये कौन सा विमान है जिसमें 5 टायर है? अरे स्टेफनी भी तो लेके गए। तो जैक तो पड़ा होगा ना, देना। अरे कैसे हो आप? मैं मस्त हूं, आप बताओ। आपके पेरेंट्स किधर है? मुझे लगता है आपके साथ अलग एक पेरेंट टीचर मीटिंग करनी चाहिए मुझे। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं डालना चाहिए ऑनलाइन किसी का। मेरे को बोलता मैं खरीदता ना, इसके बेटे को 500 खर्ची भी देता, गाड़ी आके रोज साफ करता, नहीं की नहीं लाइफ टाइम। अच्छी डील है वैसे, बहुत बैड। अरे आप उससे बात करने बैठे हो कि मेरे साथ बात करने बैठे हो? आपको एक मेन किस्सा तो मैं पता नहीं भूल गया ऑनलाइन एग्जाम का। एग्जाम शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जिस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तुम लोग एग्जाम दे रहे हो उसमें अगर तुम लोग क्रोम में टैब खोलोगे, व्हाट्सएप पे PDF शेयर करोगे या किसी भी तरह की कॉपिंग करोगे, मुझे सब पता चल जाएगा। तो अपनी कलाकारी यहां मत दिखाओ, और ये ऑनलाइन एग्जाम है तो नालायको कम से कम मेरी नहीं तो अपनी इज्जत तो करो। थू है अगर तुम लोग इसमें भी कॉपी कर रहे हो। प्लीज चलो द एग्जाम। सॉरी भाई, लग गया यार। अरे तुम लोग सब एक ही जगह पे एग्जाम दे रहे हो, कैसे हरामी बच्चे हो। पापा अभी साथ में पढ़ेगा इंडिया तभी तो साथ में बढ़ेगा ना इंडिया।